वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं असेंबली से शोर उठ रहा है कि जम्हूरियत खतरे में है। असेंबली में शोर की असल वजह एहतसाब से बचने के लिए दबाव डालना है। कौमी सिक्योरिटी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान में ताकतवर और कमजोर के लिए अलग कवानीन है। माजी में बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया। बलूचिस्तान की मादनी दौलत पूरे मुल्क को खुशहाल बना सकती है। सी पैक से बलूचिस्तान में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। नौकरियों में बलूचिस्तान के कोटे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक पेज पर आ गई हैं। तहरीक इंसाफ भी मैदान में आने को तैयार है। वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन का अहम इजलास आज तलब कर लिया गया। कौमी असेंबली इजलास से पहले हुकूमती जमात के अराकीन की बैठक होगी। सियासी सूरत हाल और अपोजिशन इत्तेहाद पर हुकूमती हिकमत अमली तय की जाएगी। मईशत और मिनी बजट के मामलों पर अराकीन को एतमाद भी लिया जाएगा। असद उमर हुकूमती अराकीन को ब्रीफिंग देंगे।